मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। लांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी। मधुबनी के कलवाही में रितेश मंडल की हत्या करने वाले अपराधी में से एक की गिरफ्तारी, हथियार के साथ एसएसपी ने कहा 5 फरार। लहरियासराय रेलवे स्टेशन के बगल में 5 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन पर होगा ओवर ब्रिज का निर्माण। दरभंगा शहर से कोसी और मिथिला को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी में प्रस्तावित लहरियासराय सहरसा नई रेल लाइन का डीपीआर इस साल तैयार हो जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर लहरियासराय में 38वां वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मस्जिद के इमाम पर भूमाफियाओं ने किया हमला। दरभंगा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार ग्रीवांस बटन का किया गया है प्रावधान। दरभंगा एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सुपर 30 के आनंद कुमार ने कहा बिहार सरकार को और शिक्षक को ट्रेन करना चाहिए। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्र प्रारंभ। दरभंगा यातायात पुलिस के कहने के बावजूद सड़क पर चरपहिये वाहन लगाकर जाने वालों पर हुई कार्रवाई। मधुबनी के कलवाही में आपसी विवाद में रितेश मंडल को 6 अपराधियों ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद छापामारी दल सदर के डीएसपी के द्वारा एसएसपी ने तैयार किया टीम लगातार छापेमारी करती रही। इसी क्रम में पता लगा कि जयनगर के दुर्गीपट्टी में अपराधी छिपे हुए हैं। पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा। उनके पास से एक देसी, एक रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल पकड़े गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। दिनांक 17/2/23 को शाम को कलवाही थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके लिए 35/23 शाम की संख्या दर्ज हुई है। 35/23 कलवाही थाना क्षेत्र जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी उसी लाइन के तुरंत अभिनंदन पुलिस पदाधिकारी सदर छापेमारी की जाने लगी। उसी क्रम में लगातार छापेमारी चल रही थी। उसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी थे मारने वाले वो दिल्लीपट्टी जयनगर में दिल्लीपट्टी में सूचना के सत्यापन करने के लिए टीम बनाई गई जिसमें सदर इसकी पिछले तीनों जयनगर उसके अलावा थानाध्यक्ष जयनगर, थानाध्यक्ष कचौरी, नैनीताल, पंजाबी थाना के और जो यहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई कि दिल्लीपट्टी वहाँ पे छापेमारी की गई तो वहाँ पे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और शहर के विधायक संजय श्रावगी ने शिला पट पर से पर्दा हटाकर शिलान्यास किया। 6 महीनों में ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा जिससे बहादुरपुर, कबीलपुर सहित दर्जनों गांव के लोगों को जिला मुख्यालय और शहर आने में कठिनाई नहीं होगी और जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगा। वही सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेल लाइन बिछाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मौके पर रेल विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। डिमांड चले पूरा इलाका के गढ़हार, कबीलपुर, गोविंदपुर,
बलभद्र पूरा इलाका के डिमांड छे जहिया से रेल ओवरब्रिज पुरनका ओवरब्रिज छे जहिया से टूटल आम लोग के अठाम पूरा समस्या छे बात लोग जब आबे ओवरब्रिज लेल जे है एक आवाज पूरा गाँव के आसपास से निकले हम कई बार लिख के दिलिये लेकिन काज नहीं काज के लेकिन आज सफलता के कोनो श्रेय किनको जाए छथि हमारे सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी लायक के जे है तन मन से पूरा लायक के आई जे टेंडर भ गेल और आज अतिथि डीएसपी मुख्यालय बिरजू पासवान डॉक्टर रोही यासमीन डॉक्टर सलीम अहमद प्रिंसिपल एसएचए आबदी महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मलिक डॉक्टर नसरीन नवाब ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इसके लिए अपार हर्ष है इतने लंबे समय तक यह स्कूल अपना अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा। कोरोना की अवधि में ढेर सारा स्कूल बंद हो गया किसी न किसी कारण से, लेकिन यह है उस समय भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया और साथ ही कोरोना वॉरियर सम्मानित करने का भी काम उनके द्वारा किया गया। मस्जिद के इमाम मोहम्मद मजूर अली पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। वह अपने भूमि पर मिट्टी भरा रहे थे तभी गांव के ही मोहम्मद जुबैर मोहम्मद अकबर मोहम्मद रिजवान मोहम्मद असगर मोहम्मद आलम मोहम्मद सुभान हथियार से लैस होकर हमला बोल दिया जिससे उनका सिर फट गया। गंभीर अवस्था में जाले सदर अस्पताल से रेफर कर दिया है, यहाँ इलाज चल रहा है। प्लानिंग बनाया हुआ था और ये अपनी निजी ज़मीन पे मिट्टी करने का काम कर रहे थे और नमाज पढ़ के जो ही मस्जिद से बाहर निकले हैं ज़मीन माफिया दो सात आठ। इसके लिए डैशबोर्ड का किया गया है निर्माण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा आवासीय कार्यालय में दो वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री के लिए आधिकारिक पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पोर्टल को काफी विशिष्ट बनाया गया है। इस बार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल पर ग्रीवांस बटन का प्रावधान किया गया है। फॉर्म भरने के समय अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो इस बार अभ्यर्थियों को फोन या ईमेल करने की जरूरत नहीं है। समस्या के निदान के लिए इस बार वेबसाइट पर ग्रीवांस वाले ऑप्शन में अभ्यर्थी अपना नाम ईमेल मोबाइल नंबर के साथ अपनी परेशानी या शिकायत दर्ज कराएंगे और 10 मिनट के अंदर हमारी आईटी सेल टीम उनकी समस्याओं का निदान कर उन्हें इस बात की जानकारी देंगे। तैयार हो जाएगा। रेल निर्माण विभाग ने 100 किलोमीटर दूरी वाली नई लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे करते डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी बहाल करने को निविदा निकाली है। निविदा की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई है। ई निविदा के जरिए बहाल होने वाली कंसल्टेंट एजेंसी को 4 माह में फाइनल लोकेशन सर्वे करते डीपीआर तैयार कर रेल निर्माण विभाग को देना पड़ेगा। उसके बाद नई रेल लाइन निर्माण कार्य के लिए लागत राशि तय करते स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाएगा। जमीन अधिग्रहण पर कितनी राशि का खर्च आएगा उसका भी आकलन कर किया जाएगा। रेल मंत्रालय से राशि आवंटित होने के बाद निर्माण कार्य के लिए ई निविदा के जरिए कार्य एजेंसी बहाल की जाएगी। एजेंसी का चयन करते रेल लाइन बिछाने स्टेशन और पुल फाटक निर्माण सहित अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। ट्रेन करना चाहिए। दरभंगा के एक निजी कार्यक्रम में सुपर 30 के आनंद कुमार पहुंचने के बाद वहां लोगों ने उनसे मिलना और बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि बाहर जा रहे अधिक छात्र बिहार से, इसलिए रिजल्ट में कमी देखी जा रही है।
लेकिन अभी भी बिहार में रिजल्ट हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें और मास्टर ट्रेनर को बुलाकर यहाँ काम करना चाहिए ताकि यहाँ रिजल्ट अच्छा हो सके। कमी नहीं आ रही है क्योंकि बिहार के कई बच्चे बाहर चले जा रहे हैं, वहाँ रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ का रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे तो आने वाला भविष्य और अच्छा होगा। बिहार सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक की ट्रेनिंग करे, लोगों को और ज्ञान दे, अच्छे अच्छे ट्रेनर बुलाए, तो अगर इस तरह से मामला चलता रहा तो बिहार जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण और वातावरण को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा अब मोबाइल जांच केंद्र खोला गया है, जिसके तहत अब गाड़ियों पर एक कर्मचारी कंप्यूटर लेकर बैठते हैं एवं गाड़ियों में एक जांच का मशीन लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहे तो प्रदूषण जाँच पत्र यहाँ ले सकता है। इसके लिए तैयारी भी की गई। दरभंगा के रेडियोलॉजी में अब दो डिजिटल एक्सरे हो गए हैं। सुपर स्पेशलिटी में जो डिजिटल एक्सरे है उसे इंटरनल भर्ती मरीजों का डिजिटल एक्सरे किया जाएगा, वहीं आउटडोर में बड़ी संख्या में मरीज के आगमन के बाद इसे कलकत्ता की एक कंपनी के द्वारा लगाया गया है, जिसे आज से मरीजों को यहाँ भी डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हो गई है। दरभंगा में यातायात पुलिस लगातार सूचना एवं माइकिंग करा करके सड़क पर चरपहिए वाहन लगाकर जाम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कहती रही है, फिर भी सीधा जीएनगंज मुख्य मार्ग जाने के क्रम में कई स्कॉर्पियो बेलेरो एवं अन्य चरपहिए वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर दी कर बाजार करने चले जाने वालों पर कार्रवाई की गई है। इन लोगों के गाड़ी में ताला बंद कर यातायात पुलिस ने सीधा जुर्माना करना प्रारंभ कर दिया है और इन लोगों को संदेश दिया है कि वो सड़क पर गाड़ी ना लगाएं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही पुलिस ने तीन दुपहिया वाहनों को भी जुर्माने के लिए उठाकर यातायात थाना लाई। टेटरा पैक शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होली पर्व को लेकर सैदनगर में शराब की बड़ी खेप उतारने को लेकर शराब कारोबारी इकट्ठे हुए थे। छापेमारी के दौरान एक दिल्ली नंबर चक्का कार, दो बाइक और एक युवक को गिरफ्तार किया गया, साथ ही अन्य शराब धंधेबाज मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार युवक की पहचान अभंडा निवासी ललन मंडल के पुत्र गुड्डू मंडल के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने कहा कि होली को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, अन्य सात शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी जारी है।